अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आप सब सुनाएं कैसे हैं। आजकल आप लोग मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं, मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, और प्लीज़ वीडियो को कम से कम 5 मिनट तक तो वॉच किया कीजिए, और उसके बाद सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूला करें। तो यहाँ पर हमारे घर पे मतलब घर पे क्या, मेरी फ्रेंड जो थी, बेस्ट फ्रेंड है, और उनके घर पे थी एक दावत। तो उनकी जो उनका इंतकाल हो चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप लोग भी उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। तो उनकी जो है माशाल्लाह पहली बेटी थी, जो कि अब माशाल्लाह से उनकी बात पक्की हो गई है, और अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत 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 अच्छे करें। और ये केक जो था वो मैंने बनाया था, और बहुत दिल से बनाया था, और बहुत प्यारा बना था, बहुत टेस्टी बना था, और साथ में था यहाँ पे सैलेड बन रहा था, और सारे बर्तन जो है वो निकाल चुकी थे, और सब कुछ रेडी था, बस अब खाना लगने का इंतज़ार हो रहा था। और यहाँ पर जो है सारी बच्चियाँ जो है वो प्यारे प्यारे कपड़े पहन के रेडी हुई हुई थी। तो मैं इसका ड्रेस दिखा रही थी, ये बिन जमील का ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, बहुत अच्छा ज़बरदस्त ड्रेस आया था, और साइज़ भी बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे जो है लगने वाला है दस्तरखान, हम इस तरह से बैठ के नीचे और सब एक साथ बैठ कर दस्तरखान में खाना खाते हैं। ये हैं हमारे घर के प्यारे प्यारे दो शहजादे जिनको हमने पकड़ के बिठाया था कि अब भागना नहीं है, क्योंकि दस्तरखान लगने वाला है। तो बच्चे जो है वो बैठने वालों में से नहीं होते, तो बोर हो रहे थे। बच्चियाँ जो है वो सारी इकट्ठा हुई हुई थी, सबके हाथों में माशाल्लाह मेहंदी लगी हुई थी, और अल्लाह ताला बहुत अच्छे नसीब करे, सब खुशियाँ दिखाए, और अपने नज़र बस से बचा के रखे, अपने घर का करे, और बहुत खुशी खुशी जाए, अपने घर को आबाद करे, और अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। बस सबसे बड़ी बात यही होती है कि अल्लाह ताला सारी बेटियों के जो है वो नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त विंडो पे खड़ी हूँ, बारिश में नहाने नहीं जा रही क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई है। लेकिन मैंने फ़ोन किया स्कूल पे, सर कह रहे हैं कि वो बच्चे निकल गए हैं, लेकिन ये अभी तक तो पहुँचे नहीं है बच्चे, और बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चे तो पूरे भीगे हुए आएँगे, और बड़ा मसला ये है कि घर पर पानी नहीं है, और अगर यूनिफॉर्म गंदा हो गया तो बहुत मसला हो जाएगा। तो मैं कल ही वॉश किया था यूनिफॉर्म को, और 2 दिन तो पहन लेते हैं बच्चे, साफ़ सुथरा होता है, लेकिन कल ही धोया है, फिर आज धोना पड़ेगा। अगर पानी की वजह से जो है ना परेशानी होगी, अल्लाह की रहमत बरस रही है, इंशाल्लाह कोई ना कोई रहमत ही होगी। अभी तक तो नहीं आए, सर कह रहे हैं कि बच्चे निकल चुके हैं, ऐसे आ जाते हैं बच्चे। तो चलें हम बच्चों का वेट करते हैं। देखो हाथ पे तेज़ी से मिला होगा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है रात के काफ़ी टाइम हो रहा है इस वक्त, और फातिमा के किचन में बन रहा है बनाना ब्रेड। मैंने सोचा आपके साथ, ये मेरी प्रोफेशनल एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलें शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, और मैं जो हूँ ये इसलिए बना रही थी ताकि बच्चे जो हैं सुबह लंच में ले जाएँ। और बहुत अच्छी और सिंपल रेसिपी है, और बहुत अच्छी प्रोफेशनल बेकरी स्टाइल की रेसिपी है। तो चलें जी, 4 जो है वो मीडियम साइज़ के बनाना ले लिए हैं, राइप हैं ये, आपको इसी तरीके से नरम लेने हैं। साथ हम वनीला एसेंस डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, चॉकलेट चिप्स जो हैं वो हम डालेंगे 1/2 कप लिए हैं मैंने, थोड़े हम अंदर मिक्स करेंगे, थोड़े ऊपर से डालेंगे, 1/2 कप शुगर है, 1 एग है, और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर है, 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा है, और 1 पिंच जो है सॉल्ट है। तो सॉल्ट जो है बिल्कुल 1 पिंच ही लेना है, 1.5 कप मैदा लेना था, लेकिन मैंने जो है ना 1.5 कप में से 2 चम्मच मैदा कम करके 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 कप जो है वो ऑयल रखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो बेकिंग ट्रे को जो है मैंने ग्रीस करके उस पर जो है पाउडर डस्ट करके और इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने बनाना को जो है वो थोड़ा सा मैश करेंगे, करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी देखें, हमारे जो यहाँ पे बनाना जो है वो अच्छी तरीके से जो है मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे, 1/2 कप जो ऑयल है वो डाल देंगे,
ठीक है। और साथ हम डाल देंगे हाफ कप शुगर। आप इसी रेसिपी को चाहें तो डबल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई मसले की बात नहीं है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, थोड़ा सा, क्योंकि ये बनाना है, केक है तो इसमें एग की स्मेल ना आए इस वजह से। साथ हम डाल देंगे इसमें 1 egg और हम इसमें डाल देंगे ये जो सारी चीज़ हमने निकाल के रखी थी, दालचीनी, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें कितने अच्छे से जो मिक्स हो गया। आपको इसमें बिल्कुल भी विक्स बीटर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास ये ब्रांड बीटर हो या कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो फिर अब हम लास्ट में इसमें कोको पाउडर और जो मैदा हमने छान के रखा था हम वो डाल देंगे। ये टोटल 1.5 कप है, आप 1.5 कप मैदा लेंगे अगर आपको बगैर चॉकलेट के बनाना है, प्लेन बनाना है, ठीक है। तो अगर आपने उसमें चॉकलेट ऐड करनी है ना, तो जो 1.5 कप मैदा आपने लिया उसमें से 2 चम्मच मैदा आप कम करके 2 चम्मच कोको पाउडर आप ऐड करेंगे, तो बहुत ईजी से जो है ना ये प्लेन में भी बन जाएगी, इसी तरह बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा और कोको पाउडर के साथ चॉकलेट फ्लेवर में भी बिल्कुल सही फ्लेवर आएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरीके से। देखें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा से जो है ना टेक्सचर इसका आ जाएगा। मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी जनाब, सारे बर्तन जो हो गए हैं वो खाली, सब चीज़ें जाकर इसमें हो गई हैं मिक्स। ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गया और ये है इसका टेक्सचर, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेड है तो ये थोड़ा सा इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब हम ये सारा मिक्सचर जो है वो डालेंगे अपने इस बेकिंग पैन पे। ये बेकिंग पैन आई थिंक ये तो 9x4 का है, ठीक है। सिंपल ये मैंने मेमन फाउंडेशन से लिया था, आराम से मिल जाता है, बहुत सस्ता है, 50 या 60 रुपीज़ का है। इसमें बहुत 4 तरह के साइजेज़ आते हैं, आप जिस साइज़ में भी लेना चाहें। ये असल में मेरा टी केक का पैन है, ये ब्रेड पैन नहीं है। ब्रेड का जो पैन होता है उसके ऊपर ऐसे कैप आती है, तो आप इस तरह के किसी भी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं या आप घर के पतीले में भी बना सकते हैं, ठीक है। आप जिस शेप में चाहें उस शेप में बना सकते हैं, तो क्योंकि ये ब्रेड है तो हम इसमें बनाएंगे। तो अब ये सारा मिक्सचर जो है वो हम डालेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना चाहें तो चॉकलेट चिप्स जो है इसमें थोड़े से अंदर ऐड कर दें, थोड़े से ऊपर ऐड कर दें, तो ये बहुत मज़े के जो ना चॉकलेटी आपका बन गया ब्रेड, ठीक है। इतना यम्मी बनाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। ये हो गया और ये जो मेरे पास चॉकलेट से मैंने थोड़े से बचाए थे मैं ऊपर डाल रही हूँ, थोड़े से जो है ना मैं हाफ डन हो जाएगा उसके बाद ऊपर से डालूँगी ताकि खूब सारी चॉकलेट हो, मज़ा आ जाए। आप इसको ऐसे पटकें, मेरा ये मैं पतीले में बना रही हूँ स्टफ ओवन में, ये मैं ओवन में नहीं बना रही। अब आप देखें मैं इसको बेक कैसे करती हूँ। आई एम सो सॉरी, आप लोगों को ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो है ना वीडियो की मोबाइल की जो वो है चार्जिंग ख़त्म हो गई है और फ्लैश लाइट जो ऑन नहीं हो रही, और इस वक्त यहाँ पे जो है मुझे इसका जो फोकस है वो भी बहुत तंग कर रहा है, ठीक है। पतीले पे मैंने इसको रख दिया है और इसको कवर कर दिया है। तो अब ये 5 मिनट थोड़ी तेज़ आंच में रहेगा, उसके बाद हम इसको जो है लो आंच में करेंगे और 20 मिनट तक ये बेक होगा। और फिर 10 मिनट में इसका मिक्सचर बना है, 20 मिनट में बेक हुआ है, तो समझ लें आधे घंटे में जो है आपका केक ब्रेड बनाना ब्रेड रेडी। Here we go. Wow, super soft. तो बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए मैंने बनाया था ये मज़ेदार सा बनाना ब्रेड, और उस तो आधा जो है हमने रात को खा लिया था और आधा जो है नेक्स्ट डे बच्चे जो है वो लंच में ले गए थे। तो बहुत ही सॉफ्ट, यमी और चॉकलेटी बना था। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।